प्यारे छात्रों, मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने रुक्मिणी प्रकाशन से CHSL का वॉल्यूम 1 लेकर के आया हूं। और इस टेस्ट सीरीज में मैं आज 28 नंबर टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करने वाला हूं। और 28 नंबर जो है टेस्ट सीरीज में पहला क्वेश्चन आपका है दिया हुआ 76 से 78 एनालॉगी का। आइए, पहला क्वेश्चन है 76 नंबर जो पतला मोटा, जिस प्रकार पतला का अपोजिट वर्ड विपरीतार्थक शब्द मोटा होता है, उसी प्रकार बौना का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। यानी 76 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी लंबा। दूसरा 77 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है लेटर सीरीज का है, an को लिख रहा है bo, +1 +1 करके दिया हुआ है। उसी प्रकार ly को लिखना, यहाँ +1 कीजिएगा mz आंसर हो जाएगा आपका। और mz आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, 77 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अब आइए 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है BDFH, और इसको लिखा जा रहा है JLNP। यहाँ देखिए सब में क्या है, 8+ किया हुआ है, सब में 8-8 जोड़ा हुआ है। उसी प्रकार हम लोग क्या करें, अगर हम RTVX में 8-8 जोड़ते हैं, 18 8 26, 20 8 28 यानी बी, 22 8 30 यानी डी, 24 8 32 यानी एफ, यानी ZBDF आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 78 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अब 79 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 79 से 82 जो आपका है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है न, फिगर क्लासिफिकेशन में यहाँ देखिए विभाजन से रिलेटेड है। सभी आकृति को विभाजित किया गया है चार भाग में, लेकिन एक नंबर विकल्प ए नंबर जो आकृति है उसको विभाजित नहीं किया गया है, इसलिए 79 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन जो है 16 25 वर्ग संख्या है दोनों, 64 81 दोनों वर्ग संख्या है, 36 49 भी दोनों वर्ग संख्या है, लेकिन 100 वर्ग संख्या लेकिन 110 वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए डी नंबर विजातीय हो जाएगा। 81 नंबर हमारा क्वेश्चन है, उसमें प्रथम दो अक्षर, लेटर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप अंतर के आधार पे ही बनाया कीजिए तो इजीली बनेगा आपका क्वेश्चन। प्रथम दो अक्षर देखिए एच और आई लगातार है, बी और ए -1 करके आया हुआ है, एस से आर -1 करके आया हुआ है, यू से टी -1 करके आया हुआ है, लेकिन एच से आई +1 करके आया हुआ है, तो इसमें भिन्न हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 82 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, 82 नंबर क्वेश्चन ही था, 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए। और 81 नंबर क्वेश्चन जो आपका था एक्स वी जेड वाई, अब देखिए एक्स और वी के बीच में 2 का डिफरेंस है, जेड वाई के बीच 3, वाई वी के बीच भी 3 और डब्लू टी के बीच भी 3 का अंतर है, इसका आंसर भी हो जाएगा विकल्प नंबर ए ही। अब आइए 83 नंबर क्वेश्चन पर गौर करते हैं, ये एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, W-X फिर डैश एक्स, फिर उसके बाद दिया हुआ है डैश ए एक्स, उसके बाद दिया हुआ है ए डैश, उसके बाद दिया हुआ डैश ए डैश डब्लू ए डैश। अब यहाँ देखिए अगर हम इसमें 3-3 लेटर का समूह बना देते हैं, W-A-X हो जाएगा, W-A-X यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, AAWWXX यानी AA WW XX हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 84 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, BDF उसके बाद दिया हुआ है HJL उसके बाद दिया हुआ है आपको NPR, उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान है। अब यहाँ देखिए 2 में 6 जोड़े 8 6 14 14 6 20, 4 में 6 जोड़े 10 10 6 16 16 6 22, 6 6 12 6 18 18 6 24, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा TVX आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, 84 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अब आइए 85 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है ABC
का औसत आयु 20 वर्ष है, ए बी का औसत आयु दिया हुआ 19 वर्ष, सी की आयु निकालने के लिए तीनों का उम्र दिया औसत 20, 20 गुना 3 माइनस ए और बी का दिया हुआ 19, 19 गुना 2 को घटा दीजिए, आंसर सी का उम्र निकल जाएगा। सी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 38 यानी कितना हो जाएगा ये 22, 22 वर्ष हो जाएगा ए की सी की उम्र, यानी आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। 86 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अरुण इलियास से तेज दौड़ता लेकिन दिनेश इतना तेज नहीं। अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ता है लेकिन कह रहा है किसके जितना नहीं, लेकिन दिनेश जितना तेज नहीं, यानी दिनेश से धीमा दौड़ता है कहने का मतलब हुआ। उसके बाद कहता है दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है लेकिन विक्रम जितना तेज नहीं, यानी दिनेश जो है चंदर से, तेज दौड़ता है लेकिन विक्रम से धीमा दौड़ता है। अब यहाँ देखिए सबसे तेज कौन दौड़ता है, यहाँ देखिए दिनेश इसमें सबसे ऊपर दिनेश है, चंदर से भी ऊपर दिनेश है, दिनेश के ऊपर भी क्या है विक्रम है, सबसे तेज कौन दौड़ता है विक्रम, यानी विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर 86 का बी। सतासी नंबर क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, कहता है रामू की माता ने रामू से कहा, रामू की माता बोल रही है रामू से, अब देखिए रामू है, रामू की माता बोल रही है रामू से कि मेरी माता यानी इसकी माता, मेरी आ गया किसके लिए माता के लिए, रामू की माता मेरी माता का एक बेटा है, एक जिसका पुत्र है रमेश, इसका पुत्र है रमेश। अब यहाँ देखिए ये दोनों एक दूसरे का कजन हो जाएगा, यानी रमेश रामू का, रमेश जो है रामू के मामा का बेटा हुआ, यानी ममेरा भाई हो जाएगा आंसर आपका, ममेरा भाई विकल्प नंबर किसमें दिया है बी में, 87 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब 88 नंबर, सिग्निफिकेंट से बनने वाला कौन सा शब्द नहीं है, अब देखिए यहाँ पर बी नंबर विकल्प में ओ लेटर का यूज किया गया है जबकि सिग्निफिकेंट में कहीं भी ओ का यूज नहीं है, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर बी वाला शब्द जो है वो नहीं बनेगा। अब इसी तरह से 89 नंबर क्वेश्चन पे आइए, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है, ए को लिखा गया है 2, बी को लिखा गया है 3, हर एक लेटर के पोजिशन में एक प्लस करके, उसी प्रकार एफ ए सी ई फेस को 6 है इसका तो 7 लेंगे, 1 है तो 2 लेंगे, 3 है तो 4 लेंगे, 5 है तो 6 लेंगे, 7, 2, 9, 9, 4, 13, 13, 6, 19 हमारा आंसर हो जाएगा। और 19 दिया हुआ विकल्प नंबर किस में, अच्छा योगफल नहीं दिया हुआ तो सीधा इसी तरह से रख दीजिए, तब योगफल नहीं दिया तो 72, 46 हमारा आंसर हो जाएगा, 72, 46 विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है, 89 का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। अब आइए 90 नंबर क्वेश्चन पे, टाइगर TIGER टाइगर को लिखा जा रहा है SHFDQ, देखिए सम में -1, -1, -1 किया हुआ है, उसी प्रकार हॉर्स को हमको लिखना है -1 करके, एच में -1 करेंगे तो ये हो जाएगा जी, आ ओ में -1 करेंगे तो एन, आर में -1 करेंगे तो क्यू, और एस में -1 करेंगे तो आर, ई में -1 करेंगे तो डी, यानी जी एन क्यू आर डी आपका आंसर हो जाएगा, और ये विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है, 90 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। 91 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ 4 × 5 × 6 बराबर किया हुआ है 645, यहाँ देखिए हमको क्या किए, पहले इसको लाए फिर शुरू वाला को फिर बीच वाला को, इसी रूप में ढालना है हमको 6, 6 × 7 × 6 को, तो पहले अंत वाला को 6, उसके बाद बीच वाला शुरू वाला को 6, उसके बाद बीच वाला लास्ट में लग जाएगा, 6, 6, 7 आपका आंसर हो जाएगा जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है, 91 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब आइए 93 नंबर को 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं,
92 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है एक समीकरण 10+5। अब जो दिया हुआ है समय उसको हम निर्देश के अनुसार सिंबल उसका चेंज करके बताते हैं आपको। यहाँ पर 10+ है, प्लस के जगह पे गुना रख दीजिए, गुना 5 हो जाएगा, और गुना 10 है इसके जगह भागा कर दीजिए, 10 हो जाएगा। उसके बाद आपका भागा दिया तो भागा के जगह माइनस कर दीजिए, 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस के जगह प्लस कर दीजिए 5, इसका वैल्यू निकालना है हमको। अब देखिए 10 × 5/10 − 2+5 ये कट जाएगा, तो 5 − 2+5, 5 × 5 = 10 में 2 घट गया, कितना हो जाएगा 8, और 8 आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, 92 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। अब आइए 93 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें दिया हुआ है 6, 12, 10, 720, ये तीनों को गुणा कीजिए 720 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 12 4 है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और 336 है, तो हम क्या करें 12 और 4 से 336 में 12 गुना 4 से भागा दे दीजिए, यहाँ का वैल्यू निकल जाएगा। यानी आप कीजिएगा, अगर 4 से काटते हैं 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 16, 12 × 7 = 84, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 7 आ जाएगा। 93 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अब आइए 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है श्रीमती किरण गांधी स्क्वायर कोलकाता से चलती है अपनी कार से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। उसके बाद कहता है दाएं घूमी, यहाँ से दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चलती है, फिर कार दाएं घूमता है और फिर 6 किलोमीटर चलता है। अब आरंभिक स्थान से यही डिस्टेंस कितना किलोमीटर का होगा, 4 किलोमीटर का आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर, यानी विकल्प नंबर सी। 95 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा दिया हुआ है, इसमें ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है 95 और 96। कहता है स्कूलों में छात्र सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाया जाता है, वे समझते हैं। स्कूल में छात्र सीख लेता है, शिक्षा लेता है, उन्हें पढ़ाया जाता है उसको वो समझ करके। निष्कर्ष है स्कूल में छात्रों का सीखना उनके सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है, एकदम सही है। दूसरा है छात्रों का स्कूल में सीखना इस बात पर निर्भर करता है उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया जाता है इसीलिए वो समझते हैं, सीखते हैं, अंडरस्टूड करते हैं, तो वो डिपेंड करेगा किस तरह से पढ़ाया जाता है उस पर। यानी 1 और 2 दोनों निष्कर्ष आपका सही होगा, 95 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। 96 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्राइवेट फार्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं, प्राइवेट फार्म में जो भी आदमी काम करते हैं कहता है कि मेहनती होते हैं। पहला नंबर निष्कर्ष है कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फार्म में काम करने वाले होते हैं, एकदम सही है, क्योंकि प्राइवेट फार्म में काम करने वाले लोग अगर मेहनती होते हैं तो कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फार्म में काम करते हैं, सही है। सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते, ये जरूरी नहीं, सरकारी कर्मचारी का कहीं चर्चा नहीं दिया हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 नंबर सही है और इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है SKMAR 5 मित्र हैं, एस के से छोटा लेकिन आर से लंबा है, एस जो है के से छोटा लेकिन आर से लंबा है। उसके बाद कहता है एम सबसे लंबा है, एम सबसे लंबा है ऊपर कर दिए। उसके बाद दिया हुआ है ए लंबाई में के से थोड़ा कम, एस से थोड़ा लंबा, ए को यहाँ रखिए, के से थोड़ा कम, एस से थोड़ा लंबा, तो बताइए कौन सा व्यक्ति दो व्यक्ति से लंबा दो व्यक्ति से छोटा। देखिए ये दोनों से लंबा और ये दोनों से छोटा कौन है, ए है, हमारा 97 का आंसर हो जाएगा ए, यानी विकल्प नंबर डी। 98 नंबर क्वेश्चन जो आपका है उसमें दिया है राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है उत्तर दिशा में, उसके बाद वह मुड़ता है बायां, यहाँ से मुड़ गया बायां, बायां मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और फिर यहाँ से दायां मुड़ता है, दायां मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, और दायां मुड़ करके वो चलता कितना है, फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में। नंबर क्वेश्चन है राम उत्तर दिशा की ओर चलता है 10 मीटर, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है।
उसके बाद फिर कहता है दाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ता है और चार मिनट चलता है। अब देखिए ये डिस्टेंस हमको निकालना है, ये भी पाँच होगा, दस प्लस पाँच बराबर कितना मीटर, 15 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 99 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए ऐसा शेप जब भी आवे आपको, वर्गाकार शेप को अगर बराबर पार्ट में बांट दे, आप क्या करो, सबका स्क्वायर कर दो, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, एक प्लस चार प्लस नौ, आंसर क्या हो जाएगा 14। जब भी ऐसा शेप आवे इसी तरह से कीजिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें दिया है 31, 19 और 41, सारा आपको प्राइम नंबर है, ऐसा मात्र आपको विकल्प नंबर सी में मिलता है 29, 17 और 37, जो कि तीनों प्राइम नंबर का जोड़ा है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज 28 का डिस्कशन समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग मिलेंगे फिर टेस्ट सीरीज 29 को लेकर के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।